Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover current affairs of 25th April. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, ओके, फॉर द प्रमोशन ऑफ मदर लैंग्वेज। बेसिकली ही इज फ्रॉम उड़ीसा, तो इन्हें सम्मानित किया गया था। बेसिकली इनका नॉमिनेशन इन द मंथ फरवरी, 21 फरवरी, जिस दिन हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इनको सम्मानित बेसिकली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा जी किया था। इनका नाम आपको बताना है, इज फ्रॉम उड़ीसा, हिज नेम इज महेंद्र कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे हम हर साल 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड बिजनेस एनवायरमेंट रैंकिंग 2023 सेकंड क्वार्टर की रैंकिंग के बाद, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस एनवायरमेंट। सो यू हैव टू आंसर कि किस कंट्री का इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस एनवायरमेंट। द कंट्री इज सिंगापुर। सिंपल, आप सिंगापुर याद रख लीजिएगा, डेट्स ऑल। Who among the following is the author of the recently released book In Pursuit of Peace, India Pakistan Relationship under Six Prime Minister? देखो, under पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, देखो हमारे जो पाकिस्तान के साथ relations हैं, different six prime ministers के अंडर ये जो relations हैं, basically हमारा जो war हुआ 71 का war हुआ 75, ये सब कुछ, तो ये सारी चीज़ें इस book में लिखी गई हैं। तो आपको बताना है कि इस book के author कौन है। You to answer the author of this book. Correct answer for this question is Satyendra Kumar Lamha is the correct answer for this question. याद रखें। रिसेंटली जो द फॉलोइंग स्टेट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वैकेंट लैंड टैक्स फॉर एसेस रजिस्ट्रेशन, जो जो भी खाली जमीन है उनकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत बेसिकली अंडर दिस कैंपेन वैकेंट लैंड टैक्स फॉर एसेट्स रजिस्ट्रेशन। एसेट्स मीन्स जो हमारे पास एसेट्स रहते हैं, लाइक आपकी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ। ओके, सो ये किस राज्य द्वारा स्टार्ट की गई? द राज्य इज द स्टेट इज महाराष्ट्र। इंडिया हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस ऑफ 10,000 टन ऑफ वीट अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को हम वीट प्रोवाइड कर रहे हैं, 10,000 टन ऑफ वीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसके साथ हमने समझौता किया है फॉर दिस? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हम मिलकर कर रहे हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको इटली रोम में मिलेंगे। ओके, देखो अफगानिस्तान काफ़ी इफेक्टेड एरिया है, अगर ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो सबसे इफेक्टेड हमारा ये अफगानिस्तान, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इंडिया की बात करें तो 13th नंबर पे है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अफगानिस्तान से आपको, अफगानिस्तान द्वारा भी रिसेंटली पहला सुपर कार अभी स्टार्ट किया गया था, रिलीज़ किया गया था, डेवलप किया गया बेसिकली, उसका नाम था माडा, MADA माडा 9, ये आप जरूर याद रख लीजिएगा, अफगानिस्तान का फर्स्ट सुपर कार। एंड ये समझौता भी, ये बेसिकली मिल के हम अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। रिसेंटली स्टार स्पोर्ट्स साइन विच इंडियन क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर, तो किसको साइन किया है जी? हमारे ऋषभ पंत जी को। फिलहाल तो अभी वो चोटिल हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन थे, बट अभी इंजरी की वजह से तो ऋषभ पंत इनको हायर बेसिकली नॉमिनेट किया गया, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्टार स्पोर्ट इंडिया द्वारा। हु हैज़ बिकम द नेक्स्ट CMD, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत डायनामिक्स लिमिटेड विच रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो भी हमारे वेपन्स वगैरह बेसिकली ये बनाते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो इसके न्यू CMD कौन बने ही आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए माधव राव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कुछ डिटेल्स दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, इसके एस्टैब्लिशमेंट 1970 में हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हैदराबाद तेलंगाना में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मिसाइल्स बनाना, डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाना। इंडिया हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम सूडान, लगभग 500 इंडियंस को हमने इवैक्यूएट करना है सूडान से। बेसिकली सूडान में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की आर्मी एंड डिफरेंट, एक आर्मी है ग्रुप वहाँ का, देन उसके बाद एक पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज रहती हैं, तो उनके बीच आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बेसिकली सरकार बनाने के तहत कोई आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडिया वहाँ ना बेसिकली इंडियंस जो फंस गए हैं बेसिकली, तो उनको हमने वहाँ से वापस लाना है। तो हम ऑपरेशन चला रहे हैं बाय द मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, दिस ऑपरेशन इज ऑपरेशन कावेरी। एंड यू नो ऑपरेशन हमने दोस्त अभी रिसेंटली चलाया था, कैन यू कमेंट डाउन हमने किस कंट्री के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था? यू कैन कमेंट डाउन। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी।
नेक्स्ट इज तारिक फतेह, इनके इनकी डेथ हो गई जी, ही वॉज रिलेटेड टू द फॉलिंग फील्ड, तो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, ये काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट थे, ये पाकिस्तान से थे, कैनेडा में शिफ्ट हुए, मिड नाइट चाइल्ड के नाम से फेमस थे आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 14 अगस्त 1947, इसके बाद इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, उसके बाद ये लाहौर कराची में जर्नलिस्ट थे, कैनेडा में ये ऑथर भी हैं ये बेसिकली, तो अभी रिसेंटली इनका डेथ हो गया, तो नाम इनका आपने याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। वर्ल्ड इंग्लिश डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है जी, हर साल इंग्लिश यू नो इज अ मीडियम बेसिकली जो हर डिफरेंट कंट्रीज में बोली जाती है टू लाइक अवर कम द कम्युनिकेशन गैप, सो इसी डे की इंपॉर्टेंस, 10th anniversary हम इसकी बेसिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, 23 अप्रैल को हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड इंग्लिश डे। सो ये होगी जी आज के करंट, आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट है, टाइम लिया मैं अपलोड नहीं कर पाया, मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, बट एज ए प्रॉमिस की करंट अफेयर्स का वीडियो डेली आएगा, तो मैं वीडियो में इसके नहीं कर सकता, बाकी आपकी साइड से थोड़ा सपोर्ट मुझे काफ़ी कम मिलता है, आप लोग प्लीज़ यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप वीडियोस डेली वॉच कीजिएगा, आपको करंट अफेयर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट इन रिटर्न अगर आप चाहते हो कि वीडियोज़ डेली आएँ तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको वीडियो को लाइक करना, दिस इज अ थिंग यू हैव टू डू। ऑन विच नेशनल पंचायती राज डे कौन सी डेट को इंडिया में इसे ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। सो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चन, थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून, फॉर PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए।